मीनू और राजू नदी कूल सुंदर घर टे रुता। राजू सबुदिन नदी को मछ मार जाए आई को बजार बिक्री करी जहाँ पैसा हुए ता परिवार खुशी रे चली जाए। गोटे दिन मीनूर देह खराब होगाक लगे। राजू से दिन आरवाक जाए ना से स्त्री मीनू को डाक्तरखाना को ले जाए। तुम्हें गोटे खुशी खबर, तुम स्त्री माँ हाबाक जाऊँगी। डाक्तर यही कथा शुणी स्वामी स्त्री दुई जन जाक बहुत खुशी हो जाती। तापरे राजू ता स्त्री मीनू को घर को ले आसे। तेबेटारु राजू नदी को कम समय पर माछ मारिबाकु जाए आउ मीनूर बहुत सुंदर जत्न निए। एमिति रे किछि दिन बीती जाय थाय मीनू गोटे पुओ को जन्म दिए। हेटी सुनुच आरपट जंगल ले जो बुढ़ी ठाकुराणी अछंती मु तांका पाखरे मानसिक करथिली। आमर पिलाटी हेले आमे जाई तांको दर्शन करी आसी थांते। माँ बुढ़ी ठाकुराणी तो आम कोल को पुओटीए देइछंती। तमे केते बेले टिके समय बाहर कले आमे जाई तांको दर्शन करी आसिले होंदानी। अरे मीनू केबे आउ कोन जे आजी आउ एबे चल जिबा माँ को दर्शन करी आसिबा। तापरे स्वामी स्त्री तांको पुओ को नै डंगारे बाहरी पड़ती आरपट जंगल ले बुढ़ी ठाकुराणी को दर्शन करिबा पाई। से माने बहुत खुशी रे डंगारे जाउ थांती। सही समय रे जोरे छड़ वर्षा हेबा को लागे जहाँ द्वारा डंगाटी उल्टी पड़े। स्वामी स्त्री और तांको कुनी पुओ नदी पानी रे पड़ी जांती। सही समय रे मीनू चढ़े जोरे चित्कार करिबा को लागे तांको केही सहाय्य करिबा पाई। किंतु आखो पाखरे सेमिति केही भी नथांदी तांको सहाय्य करिबा पाई। नदी रे पानी रो स्रोत बहुत अधिक थिबारो मीनू चढ़े रो पुआ बहुत दूर जाए बासी जाए थाए। से माने जेते चेष्टा कले भी ताकु बंचेई पारंदिनी। कष्टे मष्टे राजू चढ़े ता स्त्री मीनू को कूल को ले आसे। किए कोठी अच्छा मो पुओ को बंचा मो पुओ नदी पानी रे भासी जाउची। हेले तांको डाको सुनिबा पाई सेठारे केही भी नथांती। तांको आखी सामनारे तांको पुओ नदी पानी रे सेमती भासी भासी जाउ थाए। किछि दूर भासी भासी गला परे मीनू चढ़े रो पुओ नदी रो गोटे कूल रे जाई लागे। बुलबुल पारा दाना खोजिबा को आसी थाए। तार नजर मीनू चढ़े रो पुओ उपरे पड़ी जाए। से तुरंत मीनू चढ़े रो पुओ को नदी कूल रो ऊपर को नहीं आसे आउ देखे छुआटा अचेत हो जाइछि आउ बहुत सारा पानी भी पी देइछि। अरे ए छुआटा तो अचेत हो जाइछि बहुत सारा पानी भी पी देइछि जहाँ भी हो जाऊ मते छुआ को बंचेबा को हबो। तापरे बुलबुल पारा मीनू चढ़े पुओ रो पेट को चापीबा को लागे। तापरे मीनू चढ़े रो पुओ जेतिक भी पानी पी थाए सब बाहर को बाहरी आसे और छुआटा भी बंची जाए। बुलबुल पारा से छुआ को निज घर को नहीं आसे आउ तार ना चिकू रखे आउ तार भी बहुत सुंदर जत्न निए। सेपटे मीनू चढ़े ता पुओ को हरे बहुत भांगी पड़ी थाए। तमे मो पुओ को खोजी आण मते मो पुओ दरकार मो पुओ को छाड़ी मो जमा भी बंची पारिबिनी। मीनू तमे ते आउ अधर्ज हुओनी मो मन कहुची दिन ना दिने आम पुओ को आमे फेरी पाइबा। एमिति रे किछि वर्ष बीती जाय थाए। मीनू चढ़े रो पुओ बड़ हो जाय थाए। बुलबुल परा भी बूढ़ी हो जाय थाए। बुलबुल रो देह दिन को दिन खराब हेबा को लागे जहाँ द्वारा चिकू पाठ पढ़ा बंद करी मूल मजूरिया काम करबा को लागे आउ जहाँ भी टंका रोजगार करे से टंकारे बुलबुल को डाक्तरखाना को नेउ थाए। सुन तुम माँ कर तीन चारिटा रोग हो तुम माँ आउ बेसी दिन बची पारे सबुठ भल हम तुम माँ को तुम पाखे रखिकी सेवा जत्न कर। तापर चिकु बुलबुल पारा को डाक्तरखानार घर को ले आसे। डाक्तर कही हिसाब से चिकु बुलबुल पारा को बाहर को बुले नहीं जाए। माँ तुम्हें चिंता करनी डाक्तर बाबू कही बाहर जगार तुम टे बुलाबूली कले बहुत जल्दी तुम ठीक हो। नाई रे पुओ मु तोर प्रकृत माँ नुह तू नदी में भासी आसी अचेत अवस्था कूल लगी मु ते पाई मो घर को आनी तो प्रकृत माँ बापा किए मु भी जानी रे पुओ। नाई माँ तुम्हें मिछ कह तुम्हें ही मो माँ। नाई रे पुओ मु ते मिछ कहूनी मु ते सत कहूँ मु केबे भी भाभी नथिली सत कथा तते जणेबी बोली
ହେଲେ ମୋ ଦେହ ଯେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତତେ ସତ ନ କହିକି ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଚିକୁର ବି ତା ପ୍ରକୃତ ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ପାରାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଚିକୁ ବୁଲବୁଲ ପାରାକୁ ଆଉ କିଛି ପଚାରେନି। ଚିକୁ ବୁଲବୁଲ ପାରାକୁ ନଦୀରେ ବୁଲାଉଥାଏ। ଅଚାନକ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଁରୀ ଆସେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଏ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜୁ ନଦୀକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିବା ଦେଖି ରାଜୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଓ ଚିକୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ବୁଲବୁଲ ପାରା କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଚିକୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ଚିକୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଚିକୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜୁ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ପୁଅ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତା ଡେଣା ତଳେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଯାହା ଦେହରେ ଥାଏ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚିହ୍ନ ଏ ଛୁଆର ଡେଣା ତଳେ ବି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ହଜିଯାଇଥିଲା ଏଇ ସେଇ ଛୁଆ ବୋଧେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ। ତା ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ଭାବି ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ଜାଣିବା ପରେ ତା ଖୁସି ଯେମିତି କହିଲେ ନ ସରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିକୁର ଚେତା ଆସେ ଆଉ ସେ ତା ବୁଲବୁଲ ମାଆକୁ ଖୋଜେ। ମୋ ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ମୋତେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ। ପୁଅ, ତୋ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣି ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହତଭାଗା, ଯେଉଁ ମା ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ନଦୀରୁ ମୋତେ ଯିଏ ପାଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆଜି ମୁଁ ହରେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଚିକୁଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ସବୁ ବୁଝିଯାଇଥାଏ କି ଚିକୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଛୋଟବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଉଛି ଚିକୁ। ତାପରେ ରାଜୁ ଚିକୁକୁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହେ ଆଉ ଚିକୁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ହେଲେ ମିନୁ ଖଟ ଉପରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିନୁ, ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି, ଆମ ପୁଅ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ମିନୁ ଦେଖ ଆମ ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମା 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 ଡାକ ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଉଠି ପଡ଼େ। ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, ଏତେ ଦିନ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ? ତୋ ବିନା ତ ମୁଁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନିଏ। ସେବେଠାରୁ ରାଜୁର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କୁସୁମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇଟି ଝିଅ ସହ ରହୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ସକାଳ 9 ସମୟ, ସେଦିନ ଟୁନିର ଝିଅ ମିକି ଆଉ ମିନୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ଆରେ ମିକି ମିନୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ପଖାଳ ପଡ଼ିଚୁରା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଖାଉଥାଅ, ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିର ଶାଗ ଗରମ ଗରମ ଭାଜିକି ଆଣୁଛି। ମିକି ମିନୁ ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ପଖାଳ ଖାଉଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମିକି ଆଉ ମିନୁକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କାଳୁର ପୁଅ ଜଗୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆରେ ମିକି ମିନୁ, ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ତମ ଖାଇବା ସରିନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କହିଲ? ଆରେ ତମ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଖାଉଛ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଇବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଜଗୁ ଭାଇ, ଆମେ ପରା ପଖାଳ ଖାଉଛୁ, ଏ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଆଉ ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲା ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ମୋ ମା ତ କାଇଁ କେବେ ପଖାଳ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମତେ କେବେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟୁ ତୁମି ଚଢ଼େଇ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଗିନାଟେ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁମେ ତ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ, ତୁମେ ସବୁ ଦାମୀ ଖାଇବା ଖାଉଥିବ, ଆମେ ତ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ପଖାଳ ହିଁ ଅମୃତ। ସେମାନଙ୍କର ପଖାଳ ପସରା ଦେଖି ଜଗୁକୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ କିଛି ନ ଭାବି ଟୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବି କିଛି ନ ଭାବି ଜଗୁ ପାଇଁ ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ବାଢ଼ିଦେଲା, ତା ସହ ଭାଜିଥିବା ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା ବି ଦେଲା। ଜଗୁ ପେଟେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା। ସତରେ ମାଉସୀ, ତମେ ବନେଇଥିବା ପଖାଳ ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମତେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଜଗୁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି, ତା ନିଦକୁ ଆଉ ରୋକେ କିଏ, ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ବସିଛି ସେ ଢୋଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଲାସ ଭିତରକୁ
परी दीदी क्लास नेबा पाई चली आसंती जग्गु को एमिति ढोळेबार देखि ता उपरे राखी जांती समस्ते जग्गु उपरे हसिबाकु लागंती अरे जग्गु तो आज कौन खाई कैसे चुकी एमिति कौन ढोळौचु नाही मो दीदी मु आसिला बेले मेनू आउ मिकू को घरु पखाळ दीटा खाइकी पळे आसीची सेइति पई पदे मते निदा लागुची समस्ते हसिबाकु लागंती अरे पिल्ला माने हसनी पखाळ देह पाई बहुत भल जिनिस पखाळ खाइले आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े देख पिल्ला माने मिनु आउ मिकी पखाळ खाई केते सुस्थ आउ ए जगु सबु बेले सेई जंक फूड खाई कि ता देह सबु बेले खराब होउची परी दीदी से दिन स्कूल ले पखाळ रो उपकारिता विषय रे पढ़ांती ओ मिनु आउ चिक्की रो माटु निजडे को बहुत प्रशंसा करंती कारण टुनीर स्वामी मरीगला परे से बाड़ी रे परिबा ओ साग चास करे निजर परिवार चलाए तापरे स्कूल छुट्टी हे जाए समस्ते निजो निजो घर को फेरंती मा मा तमे पखाळ कोन पई करू न म आज टुनी मौसी के घर पखाळ खाइली बहुत स्वादिष्ट लागुथिला नाही नाही तू कोन कहिलु से गरीब पक्षी मानक घर को जाई कि बासी पखाळ खाई कि आसुचु कोन देह खराब करियो बोली रह तते आज दोउची पाने एमिति कहि गोरी काऊ जग्गु को मारिबाकु लागे सेठारे कालो काऊ आसी पहुंची जाए आरे आरे तमे छुआटा कोनी बाडौच काहे कि से जदी पखाळ टिके खाई देला तो कोनटा असुविधा हे गला टिके कहिलो तमे चुप कर कहि दोउची से कोन जाई कि से गरीब पक्षी मानक घर बासी पखाळ खाई कि आसीबो आ निज देह खराब करिवो मु ए सब देखि कोन चुप रहिबी ना कोन आरे गोरी तमे तो पाठ साठ पढ़ीन तमे केमिति जानिबो से बासी पखाळ रो मूल्य केते तम सहित मु आउ एते बकर बकर हे परिबेनि मु जाउची परी दीदी सबु पक्षी मानकु जंगल शेष मुंड को डाकी छंती मु जाउची सुणी के आसी ता परे कालु काउ जंगल मुंड को चली जाय सेठारे समस्ते एकाठी हे परी दीदी कोन पई डकेई छंती अपेक्षा करिथांती परी दीदी भी ठीक समय रे आसी सेठारे पहुंची जांती ओ सेठारे पखाळ रो उपकारिता विषय रे कुहंती ओ किछि दिन परे पखाळ दिवस पडुची जंगल ले समस्त मिलिमिसी पखाळ दिवस पालिबाकु प्रस्ताव दियंती अच्छा दीदी आमे तो गरीब चढ़ई आम पाई सबु दिन पखाळ दिवस आउ पुणि पखाळ दिवस कोन जे हां टुनी पखाळ रो उपकारिता पाई प्रति वर्ष मार्च 20 को पखाळ दिवस पालन करा जाए जंगल रे आमे से दिन पखाळ दिवस पालिबा आउ तुमे से दिन तुम बाड़ीर साग आउ बाईगण भजा तयारी करि आनिबो तापरे समस्ते निज निज घर को फेरि जांती पखाळ दिवस पाई जे जहार सख्य अनुसार प्रस्तुति चलै थांती अरे गोरी काली पखाळ दिवस आमे पखाळ करिकि टुनी चढ़े घरे सब रखि देई आसीचु तमे काली सकाळ टिके बेग उठी पड़िबो आ भलसे टिके आलू बड़ी बेसर करि दबो हेटी कालू तमे देखिबो काली एते सुआदिया मु आलू बड़ी बेसर करिबि जंगल ल सबु पखी कण तम परी दीदी भी ताटिया चाटी चाटी खाइबे ता पर दिन सकाळे जंगल ल शेष मुंडरे समस्त निज निज घरु सुआदिया तरकारी आनी पहुंची जांती किंतु गोरी काऊ आ टुनी चढ़ेर देखा नाही अरे पुओ कालू ए गोरी आ टुनी कुआडे गले परी दीदी भी आसीबा समय होइगलाणी आउ आमकु भी फोको बहुत जोरे लागिलाणी हां हां माउसी से माने सबु आसी पहुंची जिवे हेले माउसी तमे आज कोन नैकि आसी छ अरे बापा मु तो गरीब चढ़ेटा आउ कोन आनीबी एई सुखुआ राई टिकिए करिके आनीची एतिकि बेले टुनी ता बाड़ी रो साको भजा आउ पाड़ी बाईगण रो गोटे बढ़िया भर्ता करी पहुंची गला किंतु गोरी काऊ रो एबे भी देखा नाही परी दीदी भी पहुंची गलेनी पखाळ आउ कदळी पत्र रे समस्तक घरु आसीथिबा सुआदिया तरकारी सब बढ़ा गलाणी एतिकि बेले गोरी आसी पहुंची जाए दीदी टिकिए रुह मो तरकारी न खाइले तम पखाळ दिवस पूर्ण हबनी परे ता परे समस्ते खुशी रे पेटे पेटे पखाळ खाई शांति रे घर को फेरी जांती संगो माने एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे के बेल घंटीटा को प्रेस कर दियंतु और हां संगो माने वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु संगो माने मो रहउची देखायबा पुनी आउ गोटे वीडियो रे।